नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ मुख्यालय से ऐचोली तक राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत के सुधारीकरण की मांग को लेकर आज स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने कांग्रेसियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बीते तीन दिन पूर्व विधायक मेहर ने सड़क सुधारीकरण का कार्य शुरू न होने पर अनशन की चेतावनी दी थी। विभाग द्वारा सुधारीकरण कार्य शुरू न करने से नाराज विधायक सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। विधायक को कांग्रेस जनों के धरने पर बैठने की सूचना पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान धरना स्थल पर पहुंचे और आगामी 15 मई से मार्ग सुधारीकरण का आश्वासन दिया, जिसके पश्चात धरना असमाप्त कर दिया गया। विधायक मेहर ने 15 मई से सुधारीकरण कार्य न होने की दशा में पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। धरने पर बैठने वालों में जिलाध्यक्ष त्रिलोक मेहर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र मेहर, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, भुवन पांडे, हिमराज जोशी, पवन मेहरा, संतोष गोस्वामी, मनोज ओझा, शुभम बिष्ट सहित दर्जनों कांग्रेसी मौजूद थे। जिला अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर विभागीय अधिकारियों को बुलाकर यह आश्वासन दिया गया है कि 15 मई से यहाँ पर ब्लैक टॉप हॉट मिक्स का काम शुरू हो जाएगा और एक जिलाधिकारी जब ये आश्वस्त कर रहे हैं तो हम 15 तारीख तक इंतजार कर सकते हैं और 15 तारीख से काम शुरू होता है तो हम स्वागत करेंगे और अगर नहीं होता है तो हम पुनः अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारी आई जी की तरफ से ऑलरेडी इस पर एक अनुरोध पत्र भेजा गया था और इस संबंध में हम लोगों ने संबंधित विभाग से स्टेटस लिया था और इस पर काम स्टार्ट हो गया था। पैच वर्क और वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ जो सब्सटेंशियल वर्क किया जाना है उसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया और क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अवैध खनन रोके जाने की मांग को लेकर आज राड़ीखुटी के ग्रामीणों ने यहां कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अवैध खनन को लेकर खनन माफियाओं ने नदी के प्रवाह को रोककर नदी के बीचों बीच सड़क बना दी है, जिससे खतरा बना हुआ है। कहा कि भू माफिया नियमों को ताक पर रखकर लगातार अवैध खनन कर रहे हैं, पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर नाराजगी प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र अवैध खनन रोकने के लिए उचित कार्रवाई न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में मनोज सिंह, कुंडल सिंह, नीरज सिंह, दीवान राम, दीपक, कैलाश कुमार, दीपक गिरी, सुनील गिरी, लाल सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। प्रशासन के ऊपर दबाव बना के रोडें बनाई जा रही हैं दोनों नदी के ऊपर। वो हमारा तीर्थ स्थान भी है और जो है कि वहाँ पर बहुत बड़ा रामेश्वर धाम भी कहा जाता है और वहाँ पर दोनों नदी के ऊपर पत्थर डाल के रोडें बनाई जा रही और गांव वालों को डराया धमकाया जा रहा है और पिछड़ी पुलिस कोई प्रशासन कोई शासन नहीं पहुँचा है अभी तक। हमारा ये कहना है कि जो विज्ञप्ति के अनुसार काम है वैसा ही काम चले और जैसे इनके पास परमिशन है और जो इनके पास लीगल है अनलीगल बिल्कुल नहीं चाह रहे हम लोग, ये चाह रहे ये मांग है हमारी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग विकासखंड के भट्टी गांव में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर रखा खेल सामान चुरा लिया। आज सोमवार को विद्यालय पहुंची शिक्षिकाओं ने खेल कक्ष का ताला टूटा देखा। अंदर देखा तो खेल का सामान चोरी किया गया था और सामग्री बिखरी पड़ी थी। विद्यालय की प्रधानाचार्या उषा पंत ने चोरी की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस टीम ने थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी की अगुवाई में विद्यालय पहुंचकर मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। पिथौरागढ़ के GIC लिंक रोड स्थित पहली मंजिल पुस्तकालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विवेकानंद हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश शर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने बताया कि डॉक्टर शर्मा यहां बीते लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को पुस्तकें उपलब्ध कराकर सहयोग करते आ रहे हैं। वे एक सफल चिकित्सक होने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों द्वारा डॉक्टर शर्मा के कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संचालक राकेश दामी, दिनेश गुरानी, राम सिंह बिष्ट, अभिषेक बोरा, चांदनी कुंवर, सूरज गिरी, अजय रावत, हेमोपाध्याय, नरेंद्र सोन, पवन नाथ, अंजू पंगरिया सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में आज का मैच शिव शक्ति क्लब बेरीनाग और हिमालयन क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया।
मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री शक्ति क्लब बेरीनाग की टीम ने 25 ओवर में 116 रन बनाए, जवाब में हिमालयन क्रिकेट क्लब की टीम 23 ओवरों में 88 रनों पर ही सिमट गई और 28 रनों से बेरीनाग ने मैच अपने नाम कर लिया। मैच के निर्णायक मनोज डकवाल, दीपक कुमार व स्कोरर मनोज कुमार थे। इससे पूर्व मैच के मुख्य अतिथि वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। इस अवसर पर भोपाल चुफाल, कैलाश चंद सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। पीसीए के सचिव उमेश जोशी ने बताया कि कल मंगलवार का मैच द एथलीट होम एकेडमी व जीएमएस क्लब डीडीहाट के मध्य खेला जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।